हम सचमुच खुशकिस्मत हैं जो इतने होशियार और बुद्धिमान लोग हमारे दरबार में हैं। दरअसल हम सिर्फ होशियार और अकलमंद लोगों से मिलकर ऊब गए हैं। हमें लगता है कि अब हमें कुछ मूर्ख लोगों से भी मिलना चाहिए। एक बादशाह की हैसियत से हमारे आसपास सिर्फ होशियार और समझदार लोग ही होते हैं। हमें लगता है कि हमारा कुछ बेवकूफों से मिलना भी काफी दिलचस्प साबित होगा। बीरबल, हमने आपको जो भी चुनौतियां दी हैं, आपने हमेशा उसे कामयाबी से सुलझाया है। अब आप उनका पता लगाइए जिन्हें हम अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागल कह सकें। क्या आपकी यही इच्छा है जहांपनाह? हाँ, हम यही चाहते हैं। कितना दिलचस्प होगा अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागलों से मिलना। आपके पास 1 महीने का वक्त है उन्हें ढूंढने के लिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे इतने वक्त की जरूरत होगी जहांपनाह। बहुत खूब, तो आप उन्हें जल्द ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी करें। बीरबल, हम उनसे मिलने को बेताब हैं। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। अब आप उनका पता लगाइए जिन्हें हम अपनी सल्तनत के 6 सबसे बड़े पागल कह सकें। इन पागलों को कहां ढूंढ? सुनना जरा। जी जी, क्या बात है? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको जानूं। तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? जी, मैं रामू हूं और मैं एक धोबी हूं। मैं अपने गधे के लिए कुछ चारा लेकर लौट रहा हूं। तो तुम ये बोझ अपने सिर पर क्यों लादे हो बजाय गधे पर रखने के? जी, मैंने सोचा कि इतने लंबे सफर से गधा थक गया होगा और मुझे इसका बोझ कुछ हल्का करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बोझ अपने सिर पर रख लिया। ओह, मुझे मेरा पहला पागल मिल गया। जी हाँ, मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, इसीलिए मैं इसका बोझ कम कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हारे इस महान काम के लिए तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। इनाम? वाह 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 वाह, क्या बात है! चलिए, जल्दी चलिए। मैं कहता हूँ, मेरा शेर तेरे गाय पे छोड़ूंगा मैं। अरे लेकिन ये तो गलत बात हुई ना। क्या गलत बात हुई? तुझे इससे क्या मिलेगा? अरे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा शेर तेरे गाय को। तेरे शेर के हाथ पैर तोड़ दूंगा। रुको, ये लड़ाई अभी बंद करो। अब मुझे बताओ कि तुम दोनों कौन हो और बात क्या है? हुजूर, मैं हरी हूँ और ये गंगू है, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों लकड़हारे हैं। तो समस्या क्या है, तुम क्यों लड़ रहे हो? हुजूर, ये मेरी गाय के ऊपर अपना शेर छोड़ने की धमकी दे रहा है। शेर? गाय? हाँ, मैं अपने शेर को कहूंगा कि तुम्हारे गाय को खा जाए। जरा रुको, शेर कहाँ है और तुम्हारी गाय किधर है? जैसे ही भगवान हमें वरदान देंगे, मैं उनसे गाय मांगूंगा और ये कह रहा है कि ये शेर मांगेगा और मैं अपना शेर इसकी गाय पर छोड़ दूंगा। देखा देखा आपने, इसकी ये मजाल, मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। मुझे शहंशाह के लिए 2 पागल और मिल गए। लड़ाई बंद करो, मैं चाहता हूं तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बादशाह से इनाम दिलवाऊंगा भगवान पर इतना विश्वास करने के लिए। इनाम? इनाम? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। घर पर ही रहना, आज तो देर हो गई है, हम शहंशाह से कल मिलेंगे।
मैं अभी थोड़ी सैर करके आता हूँ। चलो मुझे 3 पागल तो मिल गए। माफ कीजिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? ओह, क्या करोगे? मेरी अंगूठी खो गई है और मैं उसे ढूंढ रहा हूं। मैं जरूर मदद करूंगा। तुमने उसे कहां गिराया था? मैंने उसे वहां उस पेड़ के नीचे गिराया था, पर वहां बहुत अंधेरा है इसलिए मैं उसे यहां ढूंढ रहा हूं। क्या पागल है, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं यूसुफ हूँ। ये नाम वाम छोड़ो, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? सुनो, मैं तुम्हें बादशाह से इनाम में दूसरी अंगूठी दिलवा दूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कल शहंशाह से मिलवाऊंगा। सच? क्या मुझे शहंशाह दूसरी अंगूठी देंगे? हाँ हाँ, फिक्र न करो और इस अंगूठी को भूल जाओ। मैं शहंशाह से कहूंगा कि तुम्हें इनाम में अंगूठी चाहिए। अब मेरे साथ चलो। बीरबल, तो क्या तुमने पागलों को ढूंढ निकाला? जी हां जहांपनाह। क्या तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगी? क्या हमारे शहर में इतने सारे पागल हैं? नहीं जहांपनाह, मेरी खुशकिस्मती से मुझे सारे पागल एक ही दिन में मिल गए। बताओ हमें, वे कौन हैं और तुम ये क्यों समझते हो कि वो ही सबसे बड़े पागल हैं? जहांपनाह, पहला पागल रामू है। अपने साथ लाया हूं जहांपनाह। बहुत दिलचस्प है, पर ये तो सिर्फ 4 ही पागल हैं, बाकी 2 कहां हैं? क्या तुम्हें वे अभी तक नहीं मिले? जहांपनाह, मैं 2 इनसे भी बड़े पागलों को जानता हूं। ओह, हम उनसे मिलना चाहते हैं, वे कहां हैं? जहांपनाह, इन सबसे बड़ा पागल हूं मैं। तुम क्या कह रहे हो? जी हां जहांपनाह, मैं इन सबसे बड़ा पागल हूं क्योंकि मैं ही पागलों को ढूंढने का पागलपन करने चला था। हमें तुमसे दूसरे बड़े पागल का नाम पूछते हुए डर लग रहा है बीरबल, पर फिर भी तुम बता सकते हो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर हम सबसे बड़े पागल हैं आप, क्योंकि आपको ही पागलों से मिलने की चाह थी। बीरबल, बीरबल, हमने ये पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं। शाबाश, शाबाश बीरबल, शाबाश। हमें मानना होगा कि हम काफी खुशनसीब हैं कि हमारे दरबार में बीरबल जैसे चालाक और होशियार मंत्री हैं। शुक्रिया हुजूर। इतना ही नहीं, हम तो ये भी मानते हैं कि वो हम सबसे ज्यादा होशियार और चालाक हैं। आप सच कह रहे हैं हुजूर, बीरबल हम में सबसे ज्यादा होशियार और चालाक हैं। सुखदेव सिंह जी, क्या आपको लगता है कि हम गलत कह रहे हैं? हुजूर, जब हमने कहा कि बीरबल हम में से सबसे चालाक और होशियार हैं, तब हमने देखा कि आप खामोश थे। कहिए, आप हमसे सहमत नहीं हैं? हुजूर, वो बेशक हो सकते हैं, लेकिन मैं ये अब तक नहीं जानता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या मतलब है आपका? आप नहीं जानते? क्या आपने उनकी होशियारी के कारनामे नहीं सुने? क्या यह सबूत काफी नहीं है आपके लिए?
हुजूर, मैं खैर, हमने बीरबल की चतुराई और होशियारी का कई बार इम्तिहान लिया है और वो हमेशा ही कामयाब हुए हैं। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आप उनके सामने कोई भी चुनौती रख दें, हमें पूरा यकीन है कि वो जरूर कामयाब होंगे। तो सुखदेव सिंह जी, क्या बीरबल के लिए कोई चुनौती सोची है आपने? हुजूर, अगर बीरबल सचमुच इतने ही होशियार हैं तो मेरे दिमाग में एक चुनौती है उनके लिए। क्या चुनौती है? हुजूर, अगर बीरबल हमारे लिए बैल का दूध ला सके तो मैं मान जाऊंगा कि वो सचमुच सबसे चालाक और होशियार हैं। क्या कहा, बैल का दूध? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हुजूर, अगर बीरबल सचमुच इतने चालाक हैं तो फिर उनके लिए ये बात नामुमकिन नहीं, और बैल का दूध लाना कोई बड़ी चुनौती नहीं। सच तो ये है कि हम भी बीरबल को ये गुत्थे सुलझाते हुए देखना चाहते हैं। क्या ख्याल है बीरबल? अगर आप यही चाहते हैं हुजूर। बीरबल, क्या आप ये सचमुच करना चाहते हैं? हुजूर, अगर आपकी यही इच्छा है तो फिर आपकी इच्छा पूरी तो करनी होगी। बहुत खूब, हम भी आपको ये गुत्थी सुलझाते हुए देखना चाहते हैं। कितना वक्त चाहिए आपको? सिर्फ एक दिन हुजूर, ये चुनौती मैं कल तक सुलझा दूंगा। सिर्फ एक दिन? आपको इतना भरोसा है? ठीक है, कल दरबार में हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। सिपाहियों, जी हुजूर। ये कैसी आवाज है? ऐसे में नींद कैसे आएगी मुझे? ये क्या हो रहा है? जाओ और तुरंत इस आवाज को बंद करवाओ। जी हुजूर, अभी करवाता हूँ, अभी लीजिए। सिपाही, सिपाही, जी हुजूर। क्या हमने तुम्हें इस आवाज को बंद करवाने को नहीं कहा था? कौन है जो इस तरह की आवाज कर रहा है और क्यों? जाओ और जाकर जो कोई भी है उसे हमारे सामने पेश करो। जाओ। तुम बंद करो, मैंने कहा था ये आवाज बंद करो और यहां से चले जाओ। अब तुमने शहंशाह को गुस्सा दिला दिया है, वे तुम्हें जरूर बड़ी सजा देंगे। सजा? अब आओ मेरे साथ, चलो। हुजूर, मुजरिम बाहर है। उसे फौरन अंदर लाओ। हुजूर, मुजरिम एक छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची? खैर, उसे हमारी नींद खराब करने की एक सही वजह देनी होगी, वरना उसे सख्त सजा दी जाएगी। बच्चा हो या बूढ़ा, लड़की हो या लड़का, जो भी हो, अंदर लाओ उसे।
तुम क्यों हमारी नींद खराब कर रही हो? तुम्हें आवाज बंद करने को नहीं कहा गया था? और तुम इस वक्त घर जाकर सोती क्यों नहीं? बताओ, जवाब दो। और तुम्हारे पास इतनी रात गए घर से बाहर होने का और हमारी नींद खराब करने की एक सही वजह होनी चाहिए। हुजूर, मैं आपकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे कुछ कपड़े धोने थे आज रात। कपड़े धोने थे? वो भी इतनी रात गए? जी हुजूर, मेरी माँ अपने मैके गई हुई है अपने गांव, और पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए मुझे सारे कपड़े अभी धोने थे। क्या कहा तुमने? मैं समझा नहीं तुमने क्या कहा। मैं तो समझा कि तुम्हारी माँ अपने मैके गई है। जी हुजूर। अगर तुम्हारी माँ अपने मैके गई है तो बच्चे को जन्म किसने दिया? मेरे पिताजी ने। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पिताजी ने जन्म दिया है बच्चे को, और मुझे उसी के लिए कपड़े धोने हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भला एक आदमी बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है? हुजूर, आपके राज्य में तो कुछ भी हो सकता है। क्या आपने सुना नहीं, बैल भी दूध देने लगे हैं, तो मेरे पिता बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, अब मैं समझा। ठीक है, तुम घर जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो, और बीरबल से कहना कि हम समझ गए हैं कि हमने गलती की है। सिपाहियों, ख्याल रहे, इसे अपने घर सुरक्षित पहुंचाया जाए, और बाबरची से कहना कि इसे बतौर सजा कुछ मिठाइयां दी जाए। शुक्रिया हुजूर। मैं देरी के लिए माफी चाहता हूँ हुजूर, पर मैं रात ठीक से सो नहीं पाया। कोई बदमाश सारी रात आवाज करता रहा और मुझे सोने नहीं दिया। हुजूर, मैं मजाक नहीं कर रहा, कल रात बहुत बेकार गुजरी, मैं जरा भी नहीं सो पाया। जब भी मेरी आंख लगती फिर से आवाज चालू हो जाती। सुखदेव सिंह जी, वो बैल के दूध देने की आवाज थी। याद है, आपने बीरबल को चुनौती दी थी। हम समझाते हैं। अब आप समझे सुखदेव सिंह जी, बीरबल को ऐसी नामुमकिन चुनौती देकर आपने खुद परेशानी मोल ले ली। अब आपको हार मान लेनी चाहिए। आदाब हुजूर, मैं देरी के लिए माफी चाहता हूं, आज ज्यादा सो गया। बीरबल, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बैल का दूध लज्जतदार था। बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल, बहुत बहुत शुक्रिया। बीरबल, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, तुम सचमुच इस राज्य के सबसे होशियार आदमी हो। शुक्रिया, शुक्रिया हुजूर। हार है ये। शुक्रिया जहांपना, कितना बेशकीमती होगा ये। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। हमें खुशी है कि ये आपको पसंद आया। हमने इसे खास आपके लिए सबसे बेहतरीन कारीगरों से बनवाया है। ओह, मुझे तो इससे प्यार हो गया। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हम जब भी इसे आप पर देखेंगे तो हमें आपका प्यार नजर आएगा। हम इसे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। Ha ha!
कहाँ गया? कल रात सोने से पहले मैंने इसे यहीं रखा था, तो फिर गया कहाँ? कोई है? क्या हुक्म है रानी साहिबा? हमें लगता है हमारा हार कहीं खो गया है, उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। आप परेशान ना हो रानी साहिबा, मुझे यकीन है आपका हार जरूर मिल जाएगा। आप आज कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हैं। नहीं नहीं, हम कोई और हार नहीं पहन सकते। वो बेशकीमती हार हमें जहांपनाह ने दिया था, वो उन्हें बहुत प्यारा है। हम उन्हें मायूस नहीं कर सकते, हमें उसे ढूंढना ही होगा। अब हम क्या करें? ओह, उफ, उफ, जहांपनाह? क्या बात है महारानी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम बेहद शर्मिंदा हैं, आप मायूस होंगे, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए, हार कहीं खो गया है। खो गया है? क्या मतलब खो गया है? क्या आपने ठीक से देखा? आपने इसे कहीं बाहर तो नहीं गिरा दिया? रात में हमने यही उतारा था और उसके बाद हम बाहर भी नहीं गए, तो उसे यही होना चाहिए। लेकिन हार अब यहाँ नहीं है, हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक मामूली से हार के खो जाने पर आप यूं दिल छोटा ना करें महारानी, हम आपको दूसरा ला देंगे और हम ये वादा करते हैं कि इसे भी ढूंढ लेंगे। आप आज रात हमारे कमरे में आराम करें, कल सुबह तक आपको हार मिल जाएगा। सिपाही, जी जहांपनाह, दूसरे सिपाहियों को लेकर जाओ और महारानी की दासी से कहो कि हार को ढूंढने के लिए कमरे का कोना कोना तलाश करे, हमें वो हार हर हाल में चाहिए। जैसी आपकी मर्जी जहांपनाह। जैसे जहांपनाह, कहो कहां है हार, लाओ उसे हमें दो। गुस्ताखी माफ हो हजूर, हमने सारे कमरे की तलाशी ली पर हमें वो हार नहीं मिला। क्या मतलब हार नहीं मिला? महारानी ने कल रात वो हार वहीं रखा था, तो फिर कहां गया? जैसे जहांपनाह, लगता है हार चोरी हो गया है। चोरी? किसकी हिम्मत है महारानी का हार चुराने की? जहांपनाह, महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी हैं, महल के पहरेदारों ने छानबीन की पर आज तक कामयाब नहीं हुए। महल में चोरियां, छानबीन, इसके बारे में हमें क्यों नहीं खबर की गई? हम आज रात ही इसका पता लगाएंगे, हम महारानी को सुबह मायूस नहीं देखना चाहते। फौरन बीरबल को बुलाया जाए, अब सिर्फ वही इस मामले को सुलझा सकते हैं। आदाब जहांपनाह। बीरबल, आपको आज रात एक खास मामला सुलझाना है, आपको महारानी का हार तलाश करना होगा। जहांपनाह, महारानी का हार? हाँ, हुआ यूं कि अच्छा, तो ये मामला है। बीरबल मेरे मित्र, आपको इसे आज रात ही सुलझाना है। जहांपनाह, एक बात तो तय है कि हार चोरी ही हुआ है, वरना इतनी बार कमरे में ढूंढने पर जरूर मिल जाता, और चोर रात में कमरे के पास मौजूद सिपाही या फिर दासियों में से कोई होगा। जहांपनाह, कल रात वहां तैनात सिपाहियों और दासियों को महारानी के कमरे में बुलवाइए, मैं कुछ देर में हाजिर होता हूँ। मैं अपने एक मित्र को लाने जा रहा हूँ जो चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। महारानी के कमरे में क्यों, और कौन सा मित्र? तुम क्यों जाना चाहते हो? हम किसी के हाथों तुम्हारे मित्र को पैगाम भेज देते हैं। जहांपनाह, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा मेरे मित्र को लाने, क्योंकि उसके पास जादुई शक्तियां हैं जो चोर को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी। अब तो हम भी आपके मित्र से मिलने को बेताब हैं बीरबल। मैं अभी हाजिर हुआ जहांपनाह। अरे लाइन में क्या बात, क्या बात, अरे परेशान कर दिया। अरे हमें भी शुदा मिले, पता नहीं क्या हो गया, हमें यहाँ क्यों लाए, लाइन में लगा के, लाइन में क्या बात, क्या बात, अरे बात।
तमाशा है। हमने सोचा था कि आप अपने दोस्त को लाएंगे, फिर आप इस गधे को क्यों लाए यहां? जहां पना, यही मेरा मित्र है और ये जादुई ताकतों का मालिक है। ये चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। मुझे कुछ समय दीजिए। ठीक है, पर जरा जल्दी करें। जैसी आपकी मर्जी हुजूर। जहां पना, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मित्र जादुई शक्तियों के जरिए चोर का पता लगाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सभी लोग बारी बारी अंदर जाए और मेरे मित्र की पूंछ पकड़कर कहे कि मैंने हार नहीं चुराया, अब वापस आ जाए। जैसे ही सभी ऐसा कर लेंगे, मैं अंदर जाकर अपने मित्र से पूछूंगा और वो मुझे बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल, हम ये जानने को बेचैन हैं, पर हमें ताज्जुब है कि आप अपने मित्र से कैसे बात करेंगे। अगर आपका दोस्त सचमुच चोर का पता बता सकता है तो समय बर्बाद मत कीजिए, जल्दी कीजिए। जाइए, पर याद रहे, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हें गधे की पूंछ पकड़कर कहना है मैंने हार नहीं चुराया। मैंने हार नहीं चुराया। अपना, माफ करें, अब मुझे मेरे मित्र से बात करनी पड़ेगी। जरूर। जहां पना, मुझे इन सब के हाथ जांचने होंगे। जरूर, जल्दी करें। जहां बना, ये रहा आपका चोर। क्या वो यही है बीरबल? ये आप कैसे कह सकते हैं? इस पर तो कोई निशान भी नहीं है। जहां बना, मैंने आपकी बरसों सेवा की है, मैं कोई चोर नहीं हूं। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती, और फिर बीरबल गधे की जबान कैसे समझ सकते हैं? हाँ बीरबल, आप ये कैसे कह सकते हैं? जहां बना, मैंने गधे की पूंछ में खास इत्र लगा दिया था, इसी वजह से मैंने सभी से गधे की पूंछ पकड़कर बोलने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ को हाथ नहीं लगाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने सभी के हाथों की जांच की, सभी के हाथों से वही खुशबू आ रही है, सिर्फ इसे छोड़कर, क्योंकि राज खुले जाने के डर से इसने गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। झांपना, गधा मेरे धोबी का है और उसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है। तुम एहसान फरामोश हो। महल में चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे भरोसे को तुमने खाक में मिला दिया है। मुझे माफ कर दे जहांपना, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझ पर रहम करे, मैं चोरी की सारी चीजें वापस कर दूंगा, मुझे सिर्फ एक मौका और दे दे जहांपना। अब तुम भरोसे के काबिल नहीं, तुम्हें हरगिज माफी नहीं मिलेगी। सिपाहियों, इससे चोरी की सारी चीजें बरामद कर इसे काल कोठरी में डाल दो। आप सबको जो परेशानी हुई उसका हमें अफसोस है। जाइए, अपना अपना काम कीजिए। बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी होशियारी ने चोर को पकड़ने में मदद की और महारानी का बेशकीमती हार हमें वापस मिल गया, यकीनन तुम्हारे जादुई दोस्त की मदद से। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। तुम्हाला खूप भाषा येत असते, तुम्ही मरा।
మరాఠవాడచ్చి ఆహే మంజే మీరు తెలుగుడ మీరు చెప్పండి నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను ఆమె కోల్కతార్ మానుష్ ఆమార్ బంగ్లా మిష్టి ఆర్ కవిత ఖూబ్ భాలో లాగే शहंशाह अकबर और राजा बीरबल अक्सर भेस बदलकर अपने सल्तनत का मुआयना करते थे। एक दिन जब वो शहर के बाजार से गुजर रहे थे, बीरबल, कितना खूबसूरत कालीन है वो। जी काफी खूबसूरत है हुजूर। चलो जाकर पूछते हैं कि वो कितने में बेच रहा है। सलाम जनाब, वो नीला कालीन कितने का है? ओ माशाल्लाह, कोमरी आलिशान शहर काबुल। बीरबल, ये आदमी क्या कह रहा है? कौन सी जबान में बात कर रहा है ये? मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ हुजूर। जनाब, हम जानना चाहते हैं कि वो नीले रंग का कालीन आप कितने में बेच रहे हो, कितने का है? ओ माशाल्लाह, इन कभी शाम शमार कान इज मंसूब शान। ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब रुकना बेकार है, चलो वापस। रहने दीजिए जनाब, हम किसी और रोज आएंगे खरीदने। अरे 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 यार, माशाल्लाह की तो जाले आ, माशाल्लाह ये लगो सुनो। बड़ी अजीब बात है ये। हम इस सल्तनत पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं अगर हमें लोगों की भाषा ही ना आए? हुजूर, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम एक ऐसे आदमी को हमारे दरबार में रखें जो कई जुबान बोलता हो और उसे हमारे राज्य की शाही दुभाषा भी बना लें? ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है बीरबल। इसीलिए हमने एक ऐसे आदमी को जो कई भाषाओं का जानकार हो अपने दरबार में नियुक्त करने का फैसला किया है। सुखदेव सिंह जी, ऐसे आदमी को ढूंढने का काम हम आपको सौंपते हैं। हुजूर, आप इत्मीनान रखें, मैं राज्य का सबसे बेहतरीन बहुभाष्य ढूंढ लूंगा। जहां पना, मैंने राज्य का सबसे बेहतरीन बहुभाष्य ढूंढ लिया है। वो कई भाषाएं सफाई और आराम से बोल सकता है। आदाब जहांपना, मेरा नाम बहारी है और मैं 10 अलग अलग भाषाएं बोल सकता हूँ। आपके इस काम के लिए मुझसे बेहतर आदमी नहीं मिलेगा हुजूर। तो फिर ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और ये भी बताओ कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। जहाँ पना, आपके दरबार में काफी ज्ञानी लोग मौजूद हैं और क्योंकि आदमी की जबान उसकी असली पहचान है, क्या इस दरबार में कोई आपके सवाल का जवाब दे सकता है? ठीक है, हम अपने मंत्रियों को इसका जवाब देने को कहेंगे। सुखदेव सिंह जी, पहले आप बताइए। तुम्हाला खूप भाषा येत असतील, पण माझ्यासारखी मराठी तर बोलून दाखवा। साहेब, तुम्ही मराठवाड्याचे आहे म्हणजे फक्त तुम्हालाच्या मराठी येत असेल असं नाही ना? मीरू तेलुगुवाडा? मीरू चप्पंडी नेनु एक्कडि नुंचि वच्चानु? मीरू गुंटूरु नुंचि वच्चारु कदा? आम्ही कोलकातार माणूस। आम्ही जाणते चाहिजे तुम्ही बांगलार कोटात थेके एसेचो। आमार बांगला मिष्टी आर कविता खूप भालो लागे। আমি যে কোনো দিন বাঙালি হতে চাইব। জাপনা, হমনে এসে কই ভাষাও মে সবাল কিয়ে হ্যাঁ আর হর ভাষা পর ইসকি জানকারি বিনা কিসি শক কে বেহতরিন হ্যায়। হম আব ভি ইসকি মাতৃভাষা নহিঁ জান পায়ে হ্যায়। तुम्हारा क्या ख्याल है बीरबल? तुमने कुछ नहीं कहा अब तक,
क्या तुम बाहरी की मातृभाषा पता लगाने की कोशिश नहीं करोगे? हुजूर, मुझे कल तक वक्त दीजिए, मैं तब तक आपके सवाल का जवाब पता लगा लूंगा हुजूर। ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास कल तक का समय है, हम जवाब जानने को बेचैन रहेंगे। शुक्रिया जहापना। तो बीरबल, क्या तुम्हारे पास हमारे सवाल का जवाब है? क्या तुम ये पता लगा पाए कि बाहरी की असली मातृभाषा क्या है? जी हुजूर, पता लगा लिया है। तो बताओ बीरबल, बाहरी की मातृभाषा क्या है? जहांपना, बाहरी की मातृभाषा बांग्ला है। अरे बोलो बाहरी, क्या बीरबल सही है? बिल्कुल सही जहांपना। शाबाश बीरबल, अब हमें ये बताओ कि तुमने बाहरी की मातृभाषा की जानकारी कैसे पाई? जी हुजूर, कल रात मैंने अपने नौकर को बाहरी के कमरे के पास जाकर जोर जोर से आवाज करने को कहा। जब वो सो रहे थे, मैं बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ कोशिशों के बाद बाहरी चिल्लाते हुए बाहर आए। दर्द, आश्चर्य और गुस्से के वक्त इंसान हमेशा अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करता है, इसलिए जब मैंने उसे बांग्ला में चिल्लाते हुए सुना, तब मैंने ये गुत्थी सुलझा ली। मैं बाहरी से कल रात उसकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं राजा बीरबल, आप सचमुच इस राज्य के सबसे चतुर और ज्ञानी आदमी हैं। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। मेरा बच्चा, कोई बचाओ उसे, कोई तो बचाओ।